अरे भाई तारा, गोवाचारी बोल रहा हूँ। ओ गोवाचारी, अबे इतने सालों बाद। तब तो बड़े आंदोलन वांदोलन किया करता था, है नारेबाजी ये वो, कुछ बदला है वैसा ही है तू अभी भी? भाई दुनिया में कितने तरह के अन्याय हो रहे हैं भाई, कोई ना कोई तो न्याय के लिए आंदोलन करेगा। पूछो पूछो, आप तो कुछ भी पूछ सकते हो, आप तो मेरे पति हो, आप मेरी उम्र भी पूछ सकते हो, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी। गीजर रिपेयर हो गया वो? नहीं, तू बालकनी में मत जाना, तेरी बालकनी को मैं उठा के फेंक देता हूँ। मेहता साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा हो। दिन भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में भी घर में पैर नहीं टिकता। ऐसा मैं नहीं, अंजलि भाभी कह रही थी। तू चल घर, चल घर, चल माता भाभी जा। अरे तेरे पीछे पीछे जाता हूँ, तू चल। तू जा क्यों अबे, मेरे कोई बोलते रहता। ये दया का तो कसम से समझ में नहीं आता, क्या करूँ। अरे जेठालाल, ऐसी छोटी बातों पे मूड ऑफ नहीं करते, होता है सबके साथ, ऐसा ही होता है, तुम अकेले नहीं हो। हाँ हाँ यार, हर कार की गड्डी के कार्बोरेटर में कचरा ही भरा हुआ है। ये गाड़ी बीच में कहाँ, ये क्या बोल रहा है भाई तू? ओए पापा जी। अरे इसके कहने का मतलब ये है कि सबके घर की कहानी यही है, हम सारे एक ही कश्ती के सवार हैं भाई, सब अपनी अपनी बीवियों से दुखी हैं। ओ यार पता है कल कार क्या हुआ? क्या? मेरी रोशन, बाप रे बाप, कल जब मैं बलविंदर के साथ कार गया ना तो फिल्म जाने का क्या फायदा, अब तो इंटरवल भी हो गया होगा, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। ओ मजा आ गया यार बलविंदर। ओ रोशन देखो कौन आया, बलविंदर अपना। ओए तनु ना खाना खा के ही जाना है। यो रोशन, तू रोशन दे हाथ दे परांठे खा के बे, पंजाब दे परांठे भूल जाएगा। जैसे तुम भूल गए थे कि आज फिल्म देखने जाना है। ओए रोशन, तेरा पिक्चर जाना था प्रोग्राम से। हाँ, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। ओए ते कल ही मैं अपनी बीवी दे नाल पिक्चर देख के आया, बड़ी सोहनी है एकदम फिट। ओए रोशन, वो काम वास्ते अटक गया सी ना, इसी करके मैं जल्दी नहीं आ पाया। ओए सॉरी ना, तू नाराज मत हो प्लीज। ओए अपन लोग कल पिक्चर देखने जाएंगे ना पक्का। ओ अभी बलविंदर को खाना तो खाना है ना, चलो खाना खाते हैं। तुम तो हमेशा ऐसे ही भूल जाते हो, चलिए खाना खाने। हाँ चलो। तुम नहीं। मेरे दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। उसको अकेले को खाना। मतलब कल रात से तुमने कुछ खाया ही नहीं? तो यार भूखा नहीं हूँ, कल जो फ्रिज में बचा खुचा था ना वो सब खा पी लिया। ये बात अच्छा किया सोड़ी तुमने, वरना भूखे भजन न होए गोपाला। क्या अच्छा हुआ यार, पानी पीने के लिए पानी की बोतल निकाल के सीधे मुंह से लगाया, पता क्या निकला? क्या? फीका। तेरा तो मुंह का पूरा टेस्ट ही खराब हो गया। ये सिरका मतलब विनेगर। विनेगर मतलब सिरका। अरे ये भीड़े कब से चुपचाप खड़े हैं, क्या है भाई? अरे बोलो बोलो भेड़े भाई, बांटने से दुख और पैसा दोनों कम होते हैं। दुख रहने दो, पैसा बांटो लो। जेठालाल मजाक की बात नहीं है, जब आप सुनोगे कि एक शिक्षक के साथ उसी के घर में क्या हुआ है तब आप तीनों के सिर शर्म से झुक जाएंगे। अरे भाई तो तुम ऐसा कर्म करते क्यों कि सिर शर्म से झुक जाए? अरे जेठालाल बोलेगा भेड़े और हम सब सुनते हैं। अरे जब परेशान लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो जो बोलता है उसके मन का बोझ भी हल्का होता है और सुनने वाले का भी। बोलो भेड़े बोलो। अरे कैसे बताऊं, उस दिन मैं घर पे हिसाब कर रहा था तो उसी वक्त अगर खांसी हो गई हो तो फिर डॉक्टर हाथी के पास जाके दवाई ले लो। ओफो, मेरी तरफ देखिए तो, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। क्या है ये? मेरी नई हेयर स्टाइल, कैसी लगी? ये कुछ ढंग की होती तो अच्छी लगती। मतलब
ये ढंग की नहीं है। इतनी मेहनत से बनाई मैंने आपके लिए और आपको पसंद नहीं आई, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। अरे बाप रे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था माधवी, तुम तो बुरा मान गई। देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी हेयर स्टाइल है, देखो तो सही। 1 2 3 4 5 6 वाह वाह वाह, कितनी सुंदर हेयर स्टाइल है, कितनी सुंदर दिख रही हो तुम। नहीं हाँ तो फिर सोसाइटी के बोर्ड पर जाके लिख दूं कि माधवी की हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है। नहीं हाँ तो फिर देखो मैं अपनी नोटबुक में 100 बार लिखूं कि माधवी की हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, माधवी सुंदर है, माधवी की हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है। ठीक है लिख दो 100 बार। क्या 100 बार? मतलब इस बार तो ये मास्टर को ही लेसन मिल गया है। अब यहाँ पे हंसते रहना है या घर भी चलना है? ठीक बात है, और महिला ब्रिगेड यहाँ इकट्ठी हो जाए उससे बेहतर है कि हम सब लोग वक्त पे घर पहुँच जाएं। हाँ हाँ चलो, वरना यार आज भी खाना नहीं मिलेगा, विनेगर पीना पड़ेगा। वैसे विनेगर है क्या? सिरका। भाई खाते में लिख लेना पैसा। ये चाय है कि शरबत? मैंने तो इसमें बहुत बहुत कम डाली थी शक्कर। ये कम शक्कर? जानबूझकर इसमें शक्कर ज्यादा डाली थी, मुझे मारना चाहती। तुझे पता है ना कि मुझे डायबिटीज है। खड़ी रह चल, निकल यहाँ से, निकल। माजी माजी मैं आईना याद रखूंगी, आगे से मुझे निकालूंगी। माजी माजी माफ कर दीजिए, माजी निकल का ना यहाँ से, माजी माफ कर दीजिए, निकल। रहिए ना, आप मेरे पति हैं, मैंने आपकी कितनी सेवा की है। सॉरी जानू। बच्चे जी, आपने चैनल क्यों बदल दिया? क्योंकि मुझे ये रोना धोने वाली सीरियल नहीं देखनी है, मुझे पति की परछाई देखनी है। अरे पति खुद इधर खड़ा है, उसको छोड़ के तुमको पति की परछाई देखनी है? अरे मैं आपकी परछाई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियल की बात कर रही हूँ। उसका नाम है पति की परछाई, है 7 जन्मों का बंधन, रहेंगे हम साथ तुम हम तुम। ये कितनी सीरियलों के नाम है? अरे ये एक ही सीरियल का नाम है, पता है ये एकदम नई सीरियल है, अभी 3 साल पहले ही शुरू हुई है। अगर ये नई सीरियल है तो पुरानी सीरियल किसे कहते हैं? हाँ वो सीरियल है ना, कहानी माँ की, सासू के, सासू की, माँ के, मामा की, और पता है 15 साल से चल रही है। क्या मजा क्या आता है ऐसे सीरियल देखने में है? डायलॉग के नाम पे कुछ होता नहीं है, खाली म्यूजिक बजता रहता है, ददंग 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 ददंग, और वो कैमरा भी ऐसा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमते रहता है, और ऐसी वाहियात सीरियल तुम लोगों को देखनी है। तो क्या करूं, आपकी तरह टाइम पास करने के लिए अब्दुल की दुकान पर सोडा पीने के लिए जाऊं? फंसी गया। वैसे आप लोग बात क्या कर रहे थे इतनी देर तक? किधर? अब्दुल की दुकान पर। बात क्या करेंगे, ओ सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे, ओ सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने हैं उसके बारे में। यानी गोकुलधाम सोसाइटी में कि आसपास की सभी सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हैं आप? माइक किधर है तुम्हारा? मैंने पहले भी बोला है ना तुमको, बिना माइक के मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ। अभी जाओ सो जाओ, कल सुबह माइक लेकर आना, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। हाँ जाओ। नहीं नहीं, पहले मुझे मेरी सीरियल पूरी करनी दो। दया, अगर तुमने सीरियल चालू की तो क्या? तो मैं कल के कल ये टीवी बेच दूंगा। करो आप करो, लो
मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। जब देखो तब डांटते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। एक चीज से आनंद मिल रहा था, वो भी बेचने जा रहे हो। दुकान से तो टीवी बेचते ही हो, घर से भी टीवी बेचना शुरू कर दिया है। अरे दया, ये क्या कर रही हो तुम? अब इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ के क्यों जा रही हो? मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, ये सब बात बापूजी को बताने जा रही हूँ। अभी ये सब बापूजी को बताने की क्या जरूरत है दया? ये लो और बैठो इधर और पूरी रात बैठ के देखो पति की परछाई। निकल जानू। हेलो सक्कूबाई सब्जी वाली, क्या मैडम? मैं 5 किलो से नीचे का ऑर्डर फोन पे नहीं लेती हूँ। बोलो क्या मांगता है? भिंडी? ऐसा करो ना भाई, तुम मेरे को 10 मिनट के बाद फोन करो, क्या ना अभी ग्राहक का टाइम है। हाँ ठीक है चलो बाय। अरे सुनो, ये टमाटर कुछ ठीक नहीं है, परसों वाले अच्छे थे। ये परसों के ही है। हा? क्या बाबा, मेरा कहने का मतलब है परसों जैसे ही है। सखू, तेरी नवारी साड़ी बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीदी? मेरी सास के लिए खरीदनी है। नीला मॉल में से। नीला मॉल? तू मॉल में से शॉपिंग करती है? तो क्या, मैं ना रस्ते में कभी खरीदारी नहीं करती, सब्जी भी नहीं, सारी चीजें ब्रांडेड। अभी तुम वहाँ जाओ भाई, तुम्हारी सास के लेना एकदम मस्त रापचिक साड़ी तुमको वहाँ मिलेगी। और भाई सब्जी ना मेरे यहाँ ही सस्ती मिलती है। ठीक है। अब्दुल अब्दुल, एक बात बताओ तुम। हाँ बोलिए। सारे मर्द मिलकर कल तुम्हारी दुकान पे क्या खुसुर-पुसुर कर रहे थे? आप लोगों की तारीफ ही कर रहे थे। अच्छा बता दो क्या क्या बोल रहे थे। हाँ? वो सब सुनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा तो रुका क्यों है? जा। वो तो मैं जा ही रहा था, आप लोगों ने रोक लिया। सुनो, मेरे कम बोलने की तारीफ कर रहे होंगे टप्पू के पापा, या फिर मेरे मीठे स्वभाव की? मेरे तो श्योर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते होंगे, उनकी नजर से ही पता चलता है, पर कभी बताते नहीं है। अच्छा है आप लोगों का, मेरे वो तो मुंह पे कभी तारीफ करते ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है बाहर ना वो छुप छुप के मेरे अचार की तारीफ करते रहते हैं। चलो, हम औरतें अपने पतियों के लिए कितना कुछ करते हैं, वो हमारे मुंह पर नहीं पर आपस में तो हमारी तारीफ कर ही लेते हैं। ओहो जेठा भाई क्या बात है, हैं? आज क्या दुकान जल्दी बंद कर दी थी क्या? आज घर की थोड़ी ठंडी थी तो मैंने बोला चलो जल्दी घर जाते हैं। चलो अब ठंडी ग्राहकी छोड़ो, गर्मा गर्म चाय कॉफी क्या पियोगे ये बताओ। अरे नहीं नहीं कुछ। हाय जेठा भाई, हाउ आर यू? ओह क्या बोलते हैं, आई एम फाइन। वेरी गुड। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी कुछ तो भी? नहीं कुछ नहीं। आपके लिए मैं सब कुछ बनाऊंगी, अरे कुछ तो लीजिए। आपको मिलेगा मतलब? मतलब ये जेठा भाई कि इनके लिए चाय कॉफी बंद की है ना, उनकी फिटनेस के लिए। जेठा भाई मेरी तो इतनी कोशिश रहती है कि घर में मेरी नजर के सामने तो उनका कोलेस्ट्रॉल कम बढ़े। बराबर है भाभी। अच्छा तो आप लोग बैठो, मैं आपके लिए बहुत अच्छी चाय बना कर आती हूँ। जी। अच्छा जेठा भाई आज आप भी दुकान से जल्दी आ गए, मैं भी थोड़ा फ्री हूँ, आज कुछ करें शाम को? मेहता साहब मैं इसीलिए आया हूँ, चलो चलते हैं किधर? चलो फिर क्लब चलते हैं और एक एक बाजी कैरम की हो जाए। अरे कैरम की क्या बात कर रहे हैं आप? फिर कैरम में से के हटा दो। मरवाओगे जेठालाल, मैं तो चाय कॉफी के भी लाले पड़े थे यार। क्या मेहता साहब आप तो एकदम साधु हो गए यार। ओए मेहता, बड़े दिन हुए, मिल यार, बताओ कब मिलना है? क्या हुआ भाई, किसका एसएमएस किसका है? अरे मेरा एक दोस्त है बचपन का, गोबाचारी, बड़ा मस्त करेक्टर है, कई तरह के अभियान चलाता है। इन दिनों एक नया अभियान चला रखा है, पति रक्षा मंडल, पत्नी पीड़ित पति अभियान। मुझसे मिलना चाह रहा था।
अरे दुनिया में ऐसा कौन सा पति होता है जिसको अपनी पत्नी से ही रक्षा चाहिए। मेरी तरह अगर तुम्हारा भी खाना पीना बंद हो गया ना तो तुम भी रक्षा मांगते फिरोगे? अच्छा फिर तो ये आइटम को मिलना चाहिए। पता तो चला दुनिया में ऐसे कितने पति है जो अपनी अपनी पत्नियों से पीड़ित है। तो फिर इसे बुला लूं आज रात मिलने के लिए? बुला लो। और मैं तो कहता हूँ सोसाइटी के सारे मर्दों को भी इनसे मिलवाओ, खास करके वो सोटी और भीड़े को, वो दोनों भी अपनी अपनी पत्नियों का रोना रो रहे थे। अरे अय्यर को भी बुला लूं क्या? बुला लो, वैसे वो अपनी पत्नी से ज्यादा मुझसे पीड़ित है। करेक्ट है। अरे हाथी जरा वहां खिसक के बैठो, ऐसा लग रहा है मैं ट्रेन की चौथी सीट पे बैठा हूँ। हाँ, वैसे ये मेहता जी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये मेहता साहब है ना, इधर किसी को ला रहे आप सबको मिलवाने के लिए। तो वो क्या है, आपका बीवी का जो कुछ प्रॉब्लम है उसको सुधार देंगे। मैं भी सोच रहा हूँ बदल दूँ, तंग आ गया हूँ। तो हाथी आप क्या बोल रहे, मैं बीवी की बात कर रहा हूँ। बीवी? हाँ बीवी। सॉरी सॉरी, मैंने टीवी सुना। वैसे दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। वो आप बिल्कुल बराबर बोले, लेकिन एक बात बोलूं डॉक्टर आदि, ये टीवी क्या है, हम एक्सचेंज ऑफर में बदल तो सकते हैं, बीवी नहीं बदल सकते। क्या बोलते हैं यार भाई? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मेहता साहब आ गए, लो राइट टाइम पे आ गए। आइए आइए मिलवाता हूँ, आओ गोबाचारी आओ। कब का इंतजार कर रहे हैं? मेरे कॉलेज के जमाने का दोस्त, बहुत सालों बाद मिला है आज गोबाचारी। बड़ा ही विद्रोही, नारे आंदोलन भाषण पता नहीं क्या क्या करता रहता है। इन दिनों एक नई चीज में लगा हुआ है, पति रक्षा मंडल, एक संघ चला रखा है, पत्नी पीड़ित संघ। भाइयों, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक मामूली विवाहित पुरुष था। अरे भाई साहब, हर विवाहित पुरुष मामूली ही होता है। लेकिन मेरी पत्नी औरत नहीं थी। क्या? मेरा मतलब ये नहीं, फिर मेरी पत्नी औरत के रूप में एक राक्षसनी थी, बड़ी ही शक की औरत थी मेरी बीवी। मैं महिला ज्योति नाम की एक संस्था चलाता था, लेकिन मेरे घर में महिला ज्वाला बनी हुई थी। वो समझती थी उस संस्था के पूरे 600 औरतों के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। ये तो गलत है, आपको देख के कौन बोलेगा 600 औरत के साथ इनका? अरे नहीं भाई, घर में मैं लेट जाता था तो मुझे झाड़ू से मारने दौड़ती थी। ले बोलो, ये तो गलत है मेहता साहब। अभी आदमी घर में नहीं लेटेगा तो कहाँ लेटेगा? लेट जाने का मतलब देर से पहुंचता था। अच्छा, मैं खुद के घर से भागा हुआ पति, लेकिन मैं सबको बताने के लिए निकला हूँ कि ये पत्नियां होती ही खतरनाक है। अरे भाई गोबाचारी, तेरी बातों में जोश तो बहुत है लेकिन होश तो नहीं है यार, कोई और तरीका हो तो बता। तो लो भाई, ये लो, ये किताबें लो, पकड़ो, ये आप भी लीजिए, ये आप भी लीजिए। पति को परेशान करने के 500 पैतरे। अब आप सब इस किताब को पढ़िए और साथ ही साथ बीवियों को ऑब्जर्व भी करते रहिए। ओए गोपाचारी प्रा, हमारी शरीफों की सोसाइटी है, ओए हमारे यहाँ कोई भी मर्द किसी और की बीवी को ऑब्जर्व नहीं करते। अरे छोड़ी जी, मेरे दोस्त गोबाचारी के कहने का मतलब है अपनी अपनी बीवी, उसे तो ऑब्जर्व कर सकते हो ना। हाँ, मुझे विश्वास है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप लोग मेरे पति रक्षा मंडल के सदस्य जरूर बन जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पत्नी पीड़ित हैं। भाई इनका पता नहीं, लेकिन मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैं पत्नी पीड़ित नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक शेर हूँ, शेर। अच्छा जेठालाल, अगर तुम शेर हो तो मैं भी शेर हूँ।
मेरा सरनेम हाथी जरूर है पर असल में मैं भी शेर हूँ। असल में शेर है, मैं तो नस्ल में भी शेर हूँ। नाम है मेरा रोशन सिंह सोडी। और अय्यर के तो एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं कि ये शेर है। गोबाचारी, कुल मिला के यहाँ सब शेर है। बिल्कुल। अब वो तो मेरी इस किताब को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन शेर है और कौन चूहा, कौन शेर है और कौन चूहा। इस दीवार पे कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है, हंसते हंसते खेले, लड़ते लड़ते न खेले। दीवार पे लिखी हुई ये बात कहीं झूठ न हो जाए और सचमुच पति पत्नी के बीच में दीवारें खड़ी न कर दे ये गोबाचारी। देखिएगा जरूर मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।